नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सरकार और किसान नेताओं की पांचवें दौर की वार्ता बेनतीजा। 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे होगी बैठक। किसान सरकार से हायनामे मांग रही जवाब। नए संसद भवन का भूमि पूजन। 10 दिसंबर को पीएम मोदी द्वारा होगा भूमि पूजन। 971 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा नया संसद भवन। सीएम ने किया भूमि पूजन। एथनिक रिजॉर्ट के बगल में 7 एकड़ में बनेगा चाय बगान। लगाए जाएंगे 6,300 पौधे। किसान की आत्महत्या के बाद भूपेश के निर्देश। पंजीकृत रकबे और गिरदावरी में जहां भी त्रुटि होगी उसे सुधारेगा विभाग। सुकमा में जवानों ने 5 नक्सलियों को दबोचा। मुठभेड़ के बाद हुई सभी की गिरफ्तारी। टिफिन बम, डेटोनेटर आदि बरामद। छत्तीसगढ़ में कोरोना से 4 दिन में 95 मौतें। अधिकांश 50-60 की उम्र के। प्रदेश में 1569 नए संक्रमित। देख रहे हैं केन्द्रीय खबरों का सारथी। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। शनिवार को पांचवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। सरकार ने किसानों से और वक्त मांगा है। अब 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे फिर सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद बुलाया है। इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का क्या कुछ कहना है वो आपको सुना देते हैं। दरअसल यूनियंस के अपने कार्यक्रम है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस अवसर पर यह आग्रह सभी यूनियंस को और किसानों को करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के रास्ते पर आएं। भारत सरकार कई दौर की चर्चा उनके साथ कर चुकी है और आगे भी समाधान निकालने के लिए चर्चा करने को तैयार है। जब बैठक हो रही थी तो निश्चित रूप से कुछ मुद्दे चिन्हित हुए थे और उन मुद्दों पर आज भी बातचीत हुई है, और इसलिए बातचीत पूरी नहीं हो पाई। 9 तारीख की बैठक इसीलिए आयोजित की, किसान यूनियन के नेताओं के साथ चर्चा का बाद 5वां दौर पूरा हुआ। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि MSP जारी रहेगी। MSP पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। APMC एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। APMC और मजबूत हो, इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। APMC के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कि सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं वे और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। यह आग्रह मेरा किसान यूनियन से है और मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। अगर आप 6 वर्ष मोदी जी के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इसमें किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, योजनाएं बनी हैं, बजट बढ़ा है, MSP बढ़ी है, सरकारी खरीद बढ़ी है,
और किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सकें, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ सकें और किसान समृद्धा की ओर बढ़ सकें, इस मामले में मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से काम किया है। कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर तहसील में ग्राम मारंगपुरी निवासी किसान धनराव द्वारा आत्महत्या करने की दुखद व संवेदनशील घटना पर छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लता सेंजी ने शनिवार को स्थानीय विश्राम गृह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर प्रदेश सरकार व सरकारी तंत्र को आड़े हाथों लेते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार और सरकारी तंत्र पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते उन्होंने कहा कि ये अफसोस की बात है कि अन्नदाता को सरकार की गलत नीतियों की वजह से बदहाली में ऐसे कदम उठाने पड़ रहे, जिस किसान की दो बेटियां और एक बूढ़ी माँ हो और जो अपने घर का इकलौता सहारा हो, वो उपज ना बिक पाने के चलते प्रभावित होकर अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का फैसला कर लेता है, तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है। मेरा नाम ठाकुर राम मरकाम, पिता घाती राम मरकाम। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण है उसका? कारण कुछ नहीं लगता, हर समय जुताई गुड़ाई मेरे ट्रैक्टर से करवाता है, पैसा कौड़ी आराम से ले जाता था, दे देता था, ऐसा तो कुछ उसका बुराई नहीं है, दारू वारू का बोलते हैं फिर भी फिर भी वो टोकन जो प्रेम लाल के मुताबिक हमको खबर मिला मंगलवार बुधवार सुबह उसकी डेट होने के बाद कि ऐसा ऐसा मैं बताया यार बोल के बताया। बहुत अफसोस की बात है, पूरे प्रदेश में हर वर्ग के लिए, किसान के लिए, सारे लोगों के लिए। कल हम लोग मारंगपुरी में गए थे, विश्रामपुरी ब्लॉक है, मारंगपुरी गांव है, पंचायत है, वहाँ एक किसान धनीराम जी जो है आत्महत्या कर लिए हैं। उनके परिवार से कल हम मिलकर आए, पत्नी है उनकी, दो बेटियां हैं, जो एक बेटी 12वीं पास है, दूसरी बेटी 10वीं पढ़ी हुई है, और माँ है, एक बूढ़ी माँ है। तो आप देखेंगे कि किसान जो है जिस तरह से बदहाली का वातावरण छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, उसे तो सबसे ज्यादा प्रभावित कोई हो रहा है तो हमारा किसान हो रहा है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के बयान की भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रही, जिसमें प्रदेश सरकार को 101 करोड़ रुपए का दान देना चाहिए, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा और भाजपा से पूछा कि पूर्व में भगवान श्री राम मंदिर के नाम पर जो सहयोग किया था छत्तीसगढ़ की जनता ने, वो पैसा कहाँ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो पहले ये बताना चाहिए, पूर्व में राम मंदिर निर्माण के लिए हमारी देश भर के जनता ने, हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने मुक्त हाथ से जो उस समय राम मंदिर निर्माण के जो सहयोग किए थे, वो पैसा कहाँ है? और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नेता एक बार और राम मंदिर के नाम से चंदा मांग रहे हैं, आरएसएस के लोग चंदा मांगने निकले हैं, इससे स्पष्ट हो चुका है कि जो देश की जनता भाजपा पर राम मंदिर निर्माण के चंदा को खाने का आरोप लगाती है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने जशपुर जिले के प्रवास के दूसरे दिन सरना एथनिक रिसोर्ट में आम के पौधे का रोपण किया। मुख्यमंत्री ने इसके बाद बालाछुआ पर स्थित समेकित चाय रोपड़ी का भूमि पूजन किया और चाय के पौधे रोपे। इस अवसर पर खाद्य और जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, संसदीय सचिव विधायक चिंतामणि महाराज, जशपुर विधायक विनय भगत, कमिश्नर सुश्री जेनेविया किंडो, कलेक्टर महादेव कावरे, पुलिस अधीक्षक बालाजी राव उपस्थित रहे। प्रदेश सरकार के दो साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर में दो दिवसीय साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हर किसी को एक ना एक दिन प्रभु राम के चरणों में जो आना पड़ता है। ये अच्छी बात है कि सरकार को सद्बुद्धि आई है और भगवान श्री राम के चरणों में जा रहे हैं, अब भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि छत्तीसगढ़ में ऐसा काम करें और छत्तीसगढ़ के किसानों की आत्महत्या करना बंद हो,
किसानों के नौजवानों को रोजगार मिले, उन्होंने जो वादे किए हैं उसे पूरा करें। हर किसी को एक न एक दिन प्रभु राम के चरणों में जाना पड़ता है, और अच्छी बात है कि ये सरकार को सद्बुद्धि आई है कि ये प्रभु राम के चरणों में जा रहे हैं, और भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि छत्तीसगढ़ में ऐसा काम करे कि किसानों की आत्महत्या करना बंद हो, किसानों के नौजवान बेरोजगारों को रोज़गार मिले, और जो इन्होंने वादे किए हैं उसको पूरा करें। महिलाओं के स्वसहायता समूह का जो ऋण माफ़ी होना था वो उनको नहीं हुआ है, तो इन सब कामों को पूरा करें, ऐसी सद्बुद्धि भगवान प्रभु राम दे, मैं इस बात की कामना करता हूँ। छोई खदान विकास खंड के बिहार वनांचल क्षेत्र पैलीमेटा ठाकुर टोला परिक्षेत्र के किसानों ने ठाकुर टोला में नए उपार्जन केंद्र बनाने को लेकर एक स्वर में धरना देकर अपनी मांग रखी। क्षेत्र के सक्रिय नेता खमहन ताम्रकार ने कहा कि पैलीमेटा सोसाइटी में लगभग इस वर्ष 1,00,000 क्विंटल धान खरीदी होनी है। ठाकुर टोला में उपार्जन केंद्र खुलने से 18 गांव के लगभग 1100 किसानों को समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। और मन कहा देखा थे ठंडा बैठेगा किसान मन भाई के टरका दे वो का तो मतलब बताना है कि हमार संख्या भी पर्याप्त है और किसान के जोश भी पर्याप्त है और किसान के संगठन बहुत मजबूत है। किसानों का मांग बहुत पुराना है। ठाकुर टोला पैलीमेटा क्षेत्र में लगभग 35 गांव आते हैं, उस गांव के एक ही खरीदी केंद्र है, और मैं बता रहा हूँ मेरी जानकारी के अनुसार में पूरे दुर्ग संभाग कह लीजिए, पूरे राजनांदगांव जिले कह लीजिए, कवर्धा जिला कह लीजिए, आसपास के क्षेत्र में इतना बड़ा सोसाइटी नहीं जहाँ 34 गांव के किसान यहाँ 35 किलोमीटर की दूरी से आते हैं, और जो रकबा है रकबा के साथ साथ 2200 से ऊपर किसान यहाँ पंजीकृत किसान। और अब बात करते हैं कांकेर जिले की, जहां पर रिहायशी बस्ती में विद्युत कार्यालय के पास झाड़ियों में घुसे भालू को वन कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद ट्रैक्यूलाइजर गन से बेहोश कर पकड़ा। भालू को बेहोश करने के लिए दो बार उसे गन से डॉट मारनी पड़ी। जाल के सहारे भालू को पिंजरे में डाला गया। वन विभाग के अधिकारी भालू के स्वास्थ्य जांच कराने और उसके बाद उसे छोड़ देंगे। उनको सुबह एक कब्र मिला, एक भालू इधर अपना बिजली का बगल में घुस गया करके। इसके लिए हम लोग स्थिति को देखते हुए हम लोग ये को निर्णय लिया है, इसको ट्रैंक्लाइज करके इसको रेस्क्यू करेंगे। तो इसके लिए हम रायपुर और जगदलपुर से भी डॉक्टर को बुलाए थे, और लगभग 4 बजे के आसपास इसको हम लोग ने बेहोश किया और इसको सफलता से हमने इसको रेस्क्यू कर दिया। अभी हम इसको एक बार मॉनिटर करेंगे, इसको हेल्थ का स्वास्थ्य का एक बार चेक करेंगे, डॉक्टर लोग अपने साथ थे, तो चेक करने के बाद अगर स्वस्थता ठीक है तो फिर इसको हम फिर से जंगल में उसको छोड़ेंगे। कबीरधाम जिले के सिटी कोतवाली पुलिस पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। मनमानी के साथ साथ अब पुलिस की गुंडागर्दी भी देखने को मिल रही है। 3 दिन पहले सिटी कोतवाली पुलिस ने ग्राम सरेखा में हुए गोलीकांड मामले को दबा दिया था। पीड़ित ने कई बार कोतवाली के चक्कर लगाए लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। मामला मीडिया तक पहुंचा तो गोलीकांड को पुलिस दबाने में लगी थी। वहीं इस बार फिर एक युवक ने सिटी कोतवाली प्रभारी मुकेश यादव पर मारपीट का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत करते हुए कोतवाली प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की है। पूरे मामले में आपसी लेन देन का पुराना मामला था दो पक्षों के बीच में, तो क्योंकि ये असंघीय अपराध होता है तो उस पर शुरू में इनफॉर्मली कोशिश की गई कि जो पक्ष जिसको पैसे लेने हैं उनको पैसे मिल जाए, बट अगले पक्ष की तरफ से कोई खास रिस्पांस नहीं मिला, तो उस पर असंघीय अपराध होने के कारण 155 का फैना दिया जाना था, उसी को लेकर के कुछ बहस हुई थी दोनों पक्षों के बीच में। सामाजिक सुरक्षा को लेकर प्रशासन भले ही बड़े बड़े दावे कर ले, धरातल पर इसकी तस्वीर बिल्कुल विपरीत नजर आती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है सुकमा जिले के ये दोनों भाई बहन, जिन पर कुदरत की मार तो पड़ी ही, साथ ही व्यवस्था के जिम्मेदारों की लापरवाही का खामियाजा भी भुगतने को मजबूर है। हम बात कर रहे हैं सुकमा जिले के विकासखंड छिंदगढ़ के ग्राम पंचायत बोदारास के ग्राम कुम्हार रास के 23 वर्षीय युवक शिव कुमार पांडे, पिता सुकरू पांडे एवं शिव की बहन लिम्बती की, जो दोनों ही शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। दोनों ही बचपन से दिव्यांगता की मार सह रहे। शिव कुमार किसी प्रकार 12वीं तक अध्ययन करने हायर सेकेंडरी स्कूल
कूकानार पहुंचा, परंतु तबियत ज्यादा खराब होने के कारण पूरक आने के बाद उत्तीर्ण नहीं कर सका। बहन अभी अभी दसवीं का अध्ययन कर रही है, परंतु उसकी हालत ऐसी है कि उसे शाला जाने हैं तो दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। हमारे यहाँ पिछले वर्ष से अध्ययनरत है, 9th क्लास से, इस बार ये 10th पे पहुंची है। अच्छा, तो शासन से क्या लाभ मिल रहा है इस बच्ची को? शासन से इसको जो है विकलांग छात्रवृत्ति दिया जाता है, अलग से अपना स्कूली छात्रवृत्ति जो है फिर दिया जाता है, तो दो छात्रवृत्ति हमारे शासन की ओर तरफ से मिल रहा है। शनिवार को सुकमा जिले के गुफड़ी इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद जवानों ने सर्चिंग के दौरान इलाके से 5 नक्सलियों को दबोचा है। उनके पास से टिफिन बम, डेटोनेटर आदि बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक फुलपगड़ी थाना क्षेत्र के गुफड़ी इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचनाएं लगातार मिल रही थी। इसके बाद DRG व CRPF की संयुक्त टीम को सर्चिंग के लिए भेजा गया। जवानों को आता देख घात लगाए बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुछ देर की फायरिंग के बाद जब जवान भारी पड़ने लगे तो नक्सली वहां से जंगल की आड़ लेकर भाग गए। इलाके की सर्चिंग में 5 संदिग्ध जो कि झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से डेटोनेटर, टिफिन बम, जेलेटिन छड़ और अन्य सामग्री बरामद की गई है। SP KL ध्रुव ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, चल हाथिल हो गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, गोल्डी मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सूरजपुर जिले में लकड़ी तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब ये वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला करने पर भी नहीं चक रहे। ताजा मामला जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के दुर्ती बिच का है, जहां पर ड्यूटी में तैनात वन रक्षक राहुल सिंह को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग जंगल की कटाई कर लकड़ी लेकर जा रहे थे। सूचना पर वन रक्षक मौके पर पहुंचे तो उसे कुछ लोग बाइक में लकड़ी ले जाते हुए दिखे, जिस पर राहुल पूछताछ की। उसी दौरान तस्करों में से एक आरोपी रामफेर यादव तांगी से राहुल सिंह पर जानलेवा हमला कर फरार हो गया, जिसमें वन रक्षक का कान कट गया। घटना के बाद पीड़ित ने स्थानीय प्रतापपुर थाने में मामला दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वही आरोपी रामफेर यादव आदतन बदमाश बताया जा रहा है। इसमें प्रदेश के कई थानों में बलात्कार, धोखाधड़ी सहित लगभग 30 गंभीर मामले दर्ज हैं। अब पुलिस इस आरोपी के खिलाफ पूरे मामले इकट्ठा कर कार्रवाई में जुट गई है। वन रक्षक राहुल सिंह थाने में उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि यह अपने ड्यूटी में ग्राम दुर्ती में गया हुआ था और एक आदमी ग्राम दुर्ती का रामफेर यादव जंगल का अवैध लकड़ी कटाई करके ले जा रहा था, जिसे फॉरेस्ट गार्ड राहुल सिंह रोका। ग्रामीणों की शिकायत पर पहुंचा था अपने फील्ड पे, वहाँ पे लकड़ी लेके रामफेर यादव आ रहा था। इसके बाद मैं उसको रोका, इसके बाद बोला कि आप लोग ही ऐसे करते हैं और शिकायत भी करते हैं,
उसके बाद राम फिर यादव गाली गलौज करते हुए अचानक से हमला कर दिया मेरे ऊपर। प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत पर ही कांकेर जिले के परलकोट क्षेत्र में प्रशासनिक अमले की दौर तेज हो गई है, जहां पर परलकोट क्षेत्र में पदस्थ तहसीलदार अपनी टीम के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लेकर गांव शहर के सभी धान खरीदी केंद्रों में दौरे तेज कर दिए हैं। अवैध तरीके से धान खरीदी पर रोक लगाने में जिम्मेदारी निभाते हुए शुरुआती दौर पर ही कड़ी कार्रवाई कर चुके हैं, जिसमें आज पीवी 121 और मटोली धान खरीदी केंद्र के दौरे पर पहुंचे संबंधित अधिकारियों द्वारा कई अनियमितताएं पाई गई, जिसमें पंखाजूर तहसीलदार शेखर मिश्रा द्वारा बताया गया कि प्रशासन ने शुरू से ही धान खरीदी को लेकर सतर्कता बरती है। धान खरीदी के शुरू से ही प्रशासन ने काफ़ी सतर्कता बरती है, काफ़ी चौकस हम हैं। आज 121 और माटोली में हमने निरीक्षण किया है। क्या पाया गया सर? कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कितने बोरे एक्स्ट्रा मिले सर? वो अभी डाइवर्स करना सही नहीं है, लेकिन कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। किस प्रकार की कार्रवाई होगी सर? नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा में खाद्य विभाग के फर्जी अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बालाघाट से आरोपी को पकड़ा है। आपको बता दें कि दाढ़ी में ये फर्जी अधिकारी राशन की दुकानों से वसूली करता था, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने एसपी से की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। बालोद में लाखों आदिवासियों की आस्था का केंद्र बाघमार में मेले का आयोजन किया गया। यह आयोजन 57 समुदाय के आदिवासियों के पूजनी कंगला मांझी की पुण्यतिथि पर किया गया। इस अवसर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन भी किया गया। बाघमार स्थित मांझी के पुष्टारी मकान और स्मारक में हजारों आदिवासियों ने श्रद्धांजलि दी। आयोजन के पहले छत्तीसगढ़ जनजाति आयोग के सदस्य नितिन पोटाई कार्यक्रम में शामिल हुए। मेला का उद्देश्य है, मांझी जी ने बहुत पहले संस्था का संस्थापक किया है, इसका गठन किया गया है। इस गठन सैनिक लोगों को द्वारा मनाए जाते हैं 5 दिसंबर पुण्यतिथि के अवसर पर, और सभी प्रांतों के जो हमारे सैनिक भाई जो दूर दराज से आते हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और बहुत उत्साह से आते हैं और धूमधाम तरीके से मना के 3-4 दिन का कार्यक्रम रहता है। उसी प्रांत सभी सैनिक भाई दूर दराज से रहते हैं और यहाँ आकर एक दूसरे से मिल मिलाप हो जाती, बड़ी खुशी की बात है। पूर्व मंत्री राजेश विरत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं कैबिनेट मंत्री विधायक और महापौर द्वारा राजधानी रायपुर के जय रोड देवेंद्र नगर पहुंचकर मुख्य मार्ग में नवनिर्मित क्लोब चाक और सड़क चालीकरण कार्य का लोकार्पण किया गया। जिस क्लोब चाक का लोकार्पण प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया, उस लोकार्पित कार्य की निविदा लोक निर्माण विभाग द्वारा ऑनलाइन सिस्टम टेंडर द्वारा निकाली गई। के बाद जिस प्रकार से घोटाले पे घोटाले चीजें निकल करके आई है और जिस प्रकार से सरकार की कार्य करने की पद्धति, पिछले दिनों भी मैंने एक विषय सबके बीच में लेके आया था कि जिस विधानसभा का बजट में प्रावधान तक नहीं था
दो भागों में काम हुआ है। एक हुआ है 96 लाख, जिसमें दुकानों को हमने शिफ्ट करके पीछे जिसको हमने दुकान बनाई है। एक जिसका टेंडर हुआ है 42 लाख रुपए का, जिसमें हमने ग्लोबल चौक बनाया। ये बात सरासर गलत है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। दोनों जो काम हुए हैं वो बाकायदा उसके टेंडर हुए हैं, और टेंडर के बाद फिर जो निविदा में फर्स्ट आई है उसको वह काम दिया गया है। मैं माननीय राजेश मोड़क जी से पूछना चाहता हूँ कि एक्सप्रेस वे जो बना जिसमें कई करोड़ रुपये खर्चा हो गया, उसके बारे में वो बात करें जिसमें बीच में गड्ढा हो गया, अभी तक के रोड चलने लायक नहीं है। कोरबा लेमरू क्षेत्र अंतर्गत स्थित सतुरेंगा पर्यटन केंद्र में कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा शराब के नशे में पर्यटन स्थल पर जाकर स्वयं को पुलिस अधीक्षक कोरबा होना बताते हुए पर्यटन स्थल में कार्यरत पर्यटन विभाग के कर्मचारी एवं अन्य लोगों को धमकाया। बिना टिकट लिए शासकीय बोट को अपने कब्जे में लेकर जबरदस्ती पानी में स्वयं चला रहे थे। सतुरेंगा स्थित पर्यटन विभाग के बने रिसोर्ट के कमरों को खुलवाने के लिए अभद्रता की। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के द्वारा प्रकरण संज्ञान में आने पर उक्त आरोपियों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इनकार किया। लोग गए हुए थे और उन्होंने जो है पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी का नाम लेकर के अपना उनका परिचित बताते हुए वहां पर भद्रतापूर्वक व्यवहार किया, और वहां पर जो केयर टेकर हैं उनसे जबरदस्ती रिसॉर्ट का चाबी मांग रहे थे। साथ ही जो वहां पर जो नाव वगैरह है उसको भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश किया था, और ज़बरदस्ती उसमें चढ़ करके जो उसका हैंडलर है जो नाव का, उससे चाबी लेकर के खुद ही ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे। इस बात की सूचना जो है पुलिस कप्तान महोदय को प्राप्त हुआ तो उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया। चूँकि लेमरू जो है काफ़ी दूर है, इसलिए थाना प्रभारी बालको को निर्देशित किया गया था। थाना प्रभारी बालको वहाँ पर जा करके उक्त परिस्थिति को देखा तो ये हुज्जतबाजी करते हुए पाए गए, और इस वजह से जो है उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।